अक्सर लर्नर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि इनडेप्थ क्या है, तो आइए अक्सर लर्नर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि इनडेप्थ क्या है, तो आइए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इनडेप्थ, कम टू एन एंड और एंड टू एंड का सही इस्तेमाल देखें, यानी सीखें कि कब हमें कहना चाहिए इनडेप्थ, कब हमें कहना चाहिए कम टू एन एंड और कब हमें कहना चाहिए एंड टू एंड। तो आइए फ्रेंड्स इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले कम टू एन एंड का कंसेप्ट समझें। कम टू एन एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना, जैसे अगर आपको कहना हो कि बहस खत्म हो गई, द डिस्कशन केम टू एन एंड, यानी बहस खत्म हो गई। अगर आपको कहना हो कि मुसीबत खत्म हुई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डिजास्टर केम टू एन एंड, यानी मुसीबत खत्म हुई। इन दोनों सेंटेंस में मैंने बोला केम क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, जहाँ पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कहना हो कि पार्टी खत्म हुई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पार्टी केम टू एन एंड, यानी पार्टी खत्म हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने पहला कंसेप्ट समझा कि कम टू एन एंड का क्या मतलब है। आइए अब सीखे एंड टू एंड को कैसे इस्तेमाल करना है। एंड टू एंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से या एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को अच्छा से समझ सकें। अगर आपको कहना हो कि यह चैट पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस चैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी यह चैट पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर आपको कहना हो कि मुझे पूरी जानकारी दो या मुझे हर छोटी बड़ी बात बताओ, सभी बातों को बताओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टेल मी एंड टू एंड इंफॉर्मेशन, यानी मुझे सभी बातों को बताओ या हर छोटी बड़ी बातों को बताओ या फिर सभी बातों को बताओ, यानी कुछ भी न छोड़ो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने एंड टू एंड का मतलब समझा कि एंड टू एंड का मतलब होता है सभी या पूरा, यानी हर छोटी बड़ी बात। आइए अब सीखे कि वर्ड इंडेप्थ को कैसे इस्तेमाल करना है। वर्ड इंडेप्थ का दो मीनिंग होता है, पहला खत्म हो जाना, यानी कम टू एन एंड के जगह पर आप इंडेप्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेप्थ का दूसरा मीनिंग होता है किसी एक मुकाम पर जाकर खत्म हो जाना या रुक जाना या ठहर जाना। लगता है आप समझे नहीं, आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। सबसे पहले हम इंडेप्थ का इस्तेमाल खत्म हो जाने के सेंस में देखेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि लड़ाई खत्म हुई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द फाइटिंग एंडेड अप, यानी लड़ाई खत्म हुई। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं द फाइटिंग केम टू एन एंड, यानी लड़ाई खत्म हुई। अगर आपको कहना हो कि बहस खत्म हुई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डिस्कशन एंडेड अप, यानी बहस खत्म हुई। अगर आपको कहना हो कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पेट्रोल विल एंड अप, यानी पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एंड अप का पहला कंसेप्ट समझा कि एंड अप का एक मीनिंग होता है खत्म हो जाना। आइए एंड अप का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। जब आपको कहना हो कोई एक चीज किसी मुकाम पर जाकर खत्म हो गई या मुकाम पर जाकर ठहर गई, तो वहाँ पर आप कहेंगे एंड अप। जैसे हमारी बहस झगड़े पर खत्म हुई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आवर डिस्कशन एंडेड अप फाइटिंग, यानी हमारी बहस झगड़े पर खत्म हुई। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बोला कि कोई एक चीज किसी दूसरे मुकाम पर जाकर खत्म हो गई। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो कि एडिसन की कड़ी मेहनत कई आविष्कारों पर खत्म हुई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एडिसन्स हार्ड वर्क एंडेड अप मेनी इन्वेंशंस। तो फ्रेंड्स आपने इस एग्जांपल से सीखा कि कोई एक चीज किसी दूसरी मुकाम पर जाकर ठहर गई या किसी दूसरी मुकाम पर जाकर खत्म हो गई या रुक गई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।